हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि आपने अमेज़ोन पे वैलेट के पेमेंट्स को कैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। जिस तरह से आप लोग देखते हो कि आपके गूगल पे वगैरह में आपको डायरेक्टली से आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, बट अमेज़ोन पे में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने लाइव आपको दिखाने वाला हूँ अपने फ़ोन में करके किस तरह से आप अपने कैशबैक को जीते हुए जो वॉलेट अमाउंट में चला जाता है उसे आप कैसे विदड्रॉल कर सकते हैं या अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो चलिए ले चलता हूँ आपको मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में और करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे आज के मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन, तो सबसे पहले करना है आपको अपना अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पे सिंपली से आपको राइट साइड के नीचे साइड में आपको थ्री लाइंस दिख रही है, उस पर कर लेनी है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली से यहां पे आपको कर लेना है अमेज़ॉन पे को ओपन। यहाँ पर आप देख रहे हो अमेज़ॉन पे को, सिंपली से इसे क्लिक करके और लेना ओपन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा अमेज़ॉन पे का इंटरफेस खुल के आज का हमारे सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कैशबैक अर्न, अभी तक मैंने 43 रुपीस इस अमेज़ॉन पे में अर्न किया है। एंड यहाँ पे जो अभी रेस्ट अमाउंट बाकी है वो है 21 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेज़ॉन पे बैलेंस। तो सिंपली से आज की इस वीडियो में टॉपिक था मेरा कि हम किस तरह से इसे विड्रॉल कर सकते हैं अपने, मतलब विड्रॉल या आप किस तरह से अपने इस बैलेंस को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 21 रुपीज़। तो सिंपली से स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लिखा रहा है गोल्ड वॉल्ट। गोल्ड वॉल्ट पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कुछ फिशिंग डाटा हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले आपको गोल्ड खरीद लेना। तो हमारे अकाउंट में वहाँ था 21 रुपीज़। तो सिंपली से यहाँ मैं 21 रुपीज़ सेलेक्ट करता हूँ। 21 रुपीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 0.0041 ग्राम्स मैं यहाँ पे 21 रुपीज़ से गोल्ड को बाय कर रहा हूँ। प्रोसीड टू बाय का मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे रिडायरेक्ट कर रही है हमें ये वेबसाइट, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड पे रिडायरेक्ट कर रही है। तो सिंपली से सबसे पहले यूज़ योर 21 रुपीज़ अमेज़ॉन पे बैलेंस। तो सिंपली से हमें यही बैलेंस यूज करना है, तो सिंपली से इसे क्लिक करना है और उसके बाद प्लेस ऑर्डर एंड पे। उसके बाद सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अवेटिंग पेमेंट कन्फर्मेशन फ्रॉम बैंक वॉलेट। तो यहाँ पे मेरा बैंक वॉलेट से यहाँ पे कन्फर्मेशन ले रही है कि ये रेडी है या कुछ भी जो कैसा है, यहाँ पे कन्फर्मेशन ले रही है। जैसे ही ये डन होगी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अवेटिंग कन्फर्मेशन फॉर बिलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर डिजिटल गोल्ड परचेज इज सक्सेसफुल। मैं 21 रुपीज़ का गोल्ड सक्सेसफुल्ली यहाँ पे बाय कर ली। गोल्ड बाय करने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको आ जाना है बैग जहां से आपने गोल्ड को बाय किया था। बाय करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो यहां पे साइड में ही बाय गोल्ड के साइड में यहां पे सेल गोल्ड का ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो सिंपली से इसे भी कर लेना सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहां पे दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है। और गोल्ड बैलेंस जैसा कि देखा था आपने 21 रुपीज़ का मैंने 0.0041 ग्राम गोल्ड को बाय की थी। देखो यहाँ पे आपको प्राइस अभी कुछ कम दिखा रही हो क्योंकि बिकॉज हम 21 रुपीज़ का उस समय खरीदे थे, बट दोस्तों यहाँ पे आपको 19.4 ही दिख रहा है। बिकॉज दोस्तों कुछ GST वगैरह काटता है जब मैं गोल्ड सेल करता हूँ, तो उस समय दोस्तों GST वगैरह ये काटता है कुछ इसका फंड है। तो सिंपली से हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटरग्राम टू सेल गोल्ड, जितना गोल्ड आप सेल करना चाहते हो। मुझे तो अपना पूरा 21 रुपीज़ चाहिए, मतलब उतना तो नहीं मिलेगा। टैक्स कटने के बाद यहाँ पे 19.4 रुपीज़ मुझे मेरे अकाउंट में मिलेगी। उसके लिए सिंपली से यहाँ पे आपको लिख देना है 0.0041। लिखने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जिस अकाउंट पे आप जिस UPI ID पे इस पेमेंट को, इस 19.4 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, सिंपली से आप किसी का भी UPI ID डाल सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे अपना अकाउंट का UPI ID डाल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपली से डाल दिया एंड इसे कर लेता हूँ वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है सत्यम कुमार, तो आप देख सकते हो सिंपली से, तो मैं इसे कर लेता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक रिव्यू एंड घर में रिव्यू निकल के आया, पहले आप रिव्यू कर लो ये सब कुछ सही है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वांटिटी इन ग्राम्स 0.0041 जितना हमने उस समय 21 रुपीज़ का खरीदा था, इसका वैल्यू टोटल निकल के आते हैं 19.4 रुपया। सैफ गुल सत्यम कुमार और बिलिंग जहाँ पे ये अकाउंट जहाँ पे ये दोस्तों पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही है, तो सब कुछ यहाँ पे सही है। तो कंफर्म टू सेल पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकती है प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों ये कुछ तरह का हमें यहाँ पे पासवर्ड मांग रही है इस ईमेल की, तो मैं सिंपली से फटाक से यहाँ पे दे देता हूँ अपना पासवर्ड।
यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया है दोस्तों। अब जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली से यहाँ नीचे पे साइन अप का बटन आ रहा है, तो साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक OTP आएगा जिस नंबर से रजिस्टर है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी OTP आ ही रही होगी, जैसे ही OTP आएगी मुझे यहाँ पे बस OTP डाल देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा OTP आ चुका है दोस्तों। सिंपली से यहाँ पे मैं अभी फटाक से अपना OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक बार हमें साइन अप का फिर से ऑप्शन आ रहा है, तो इसे कर लेते हैं सिंपली से क्लिक। 2-step वेरिफिकेशन करता है इसे पेमेंट को ट्रांसफ़र करने से पहले दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो पहला जीमेल का पासवर्ड मांगा एंड सेकंड यहां पे हमें OTP मांगा जिस नंबर से ये अमेज़ॉन पे हो रही है, जिस नंबर से ये अमेज़ॉन पे रन कर रही है। तो सिंपली से आप देख सकते हो उसे करने के बाद सिंपली से यहां पे आप सेल ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली मेरा जो मैंने जो सेल किया था वो सेल हो चुका है। तो यहाँ आप देखते हो क्रेडिटिंग पेमेंट टू योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों ये कुछ देर में हमारे अकाउंट में आ जाएगा या साइज से आ ही गया। तो देख सकते हो दोस्तों गोल्ड सेल इज पेंडिंग, गोल्ड कन्फर्मेशन फ्रॉम सेल इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्ट, यू विल रिसीव एन SMS ML वंस द बिल पेमेंट सक्सेसफुल। ये दोस्तों मैंने इसे पहले भी करके देखा है। तो दोस्तों ये अप्रॉक्स से आपको बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपके बैंक में कोई प्रॉब्लम हो, सर्वर में प्रॉब्लम, तो ये शायद से 1-2 घंटा लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेता। मैंने इसे पहले भी सेल करके देखा है। तो आप यही था कुछ वीडियो दोस्तों, आपके अकाउंट में कुछ ना ऐसे आप ट्राई करो, आपके अकाउंट में दोस्तों पैसा आ जाएगा कन्फर्म से 100%। बस ये है कि यहाँ पे कुछ परसेंट टैक्सेस को काट ले रहा, जैसे मैंने 21 रुपीज़ का यहाँ पे गोल्ड बाय किया था, बट दोस्तों उसे सेल करने के बाद यहाँ पे वैल्यू घट के 19.4 ओनली बच गया। बट दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ गोल्ड सेल करने का एंड बाय करने का। यहाँ पे होता क्या, मान लो मैंने उस समय 21 रुपीज़ का गोल्ड खरीदा था, उस समय गोल्ड का वैल्यू कुछ अप्रॉक्स मान लो 5,000 के आसपास था। एंड देन जब मैं सेल करने जा रहा हूँ उस समय गोल्ड का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो चुका है, उसका वैल्यू अप्रॉक्स आप मानो कि 6,000 चला गया है। तो दोस्तों जब मैं सेल करूँगा तो मुझे 5,000 के अकॉर्डिंग मुझे पैसा नहीं देगा, मुझे 6,000 के अकॉर्डिंग मुझे पैसा मेरा रिटर्न करेगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी तरह की ट्रेडिंग आप मान सकते हो, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा देना। बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी बेहतर और भी अच्छे कॉन्टेंट लाएँ। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।